मैं डॉक्टर ममता खांडेकर एमएनएस न्यूज लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। देश में हर जगह दिखेगा भगवा, मोहन भागवत का बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, देश में हर जगह भगवा ही दिखेगा, ऐसी भविष्यवाणी 1989 में की गई थी। उस वक्त 2000 साल आते आते ही लाल रंग खत्म हो जाएगा और उसकी जगह भगवा आएगा। ये भविष्यवाणी सच साबित हुई, ऐसा उन्होंने कहा। भागवत इन्होंने बताया कि ये भविष्यवाणी 1989 में दत्तोपंत ठेंगड़ी इन्होंने की थी। स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से दत्तोपंत ठेंगड़ी इनकी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। हर साल 1 लाख गाय मुफ्त देंगे, अमित शाह इन्होंने दिया वचन। तेलंगाना में आगामी 7 दिसंबर को विधानसभा के लिए मतदान होने वाला है। इस पार्श्वभूमि पर अपने वचननामे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हर साल 1 लाख गाय मुफ्त देने का वचन दिया है। गाँव में त्योहार और उत्सव के दरमियान जो भी मांगेगा उन्हें गाय भेंट दी जाएगी, ऐसा भाजप चुनाव वचननामा समिति के अध्यक्ष NVSS प्रभाकर इन्होंने कहा। अब बढ़ते हैं अगली खबर। अवनी की सुपारी किलिंग, वन मंत्री मुनगट्टीवार पर प्रीति मेनन का इल्जाम। उद्योगपतियों को जंगल की जगह खाली करके देने के लिए वन मंत्री सुधीर मुनगट्टीवार इन्होंने अवनी की सुपारी किलिंग की, ऐसा इल्जाम आम आदमी पार्टी के नेता प्रीति मेनन ने लगाया। मुनगट्टीवार इन्होंने यह काम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए किया, ऐसा भी प्रीति मेनन का इल्जाम है। अवनी ये बाघिन के हत्या की न्यायालयीन जांच हो और मुनगट्टीवार से तुरंत राजीनामा लेने की मांग उन्होंने की। दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी वार करते हुए, कांग्रेस की सत्ता थी तब खनिज संपत्ति से समृद्ध 500 हेक्टेयर की जमीन कांग्रेस ने रिलायंस को दी, ऐसा भी मेनन इन्होंने कहा। वही मुनगट्टीवार इन्होंने अब्रू नुकसानी का दावा न्यायालय ने पेश करेंगे, ऐसा कहा है। इस इशू पे मेरी चीफ मिनिस्टर जी से चर्चा हुई थी अराउंड क्या होना चाहिए कि ऐसे मसले को कैसे हल किया जाता है, लेकिन वो क्लूलेस थे। एक शिकारी के अलावा उनके पास और कोई भी आइडिया नहीं था। तभी के तभी सारे एक्टिविस्ट ने मिलके उनको लिख के चिट्ठी दी थी कि मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पहले भी आपको मदद ऑफर की है, जो वहां पे आके जा चुके हैं, जिन्होंने कहा था कि हम ट्रैंकुलाइज करके पूरे परिवार को शिफ्ट कर देंगे, लेकिन मुनगट्टीवार ने ऑब्वियसली इस बारे में बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनी। फैक्ट्रीज को रोड के लिए सीमेंट आसानी से मिल रहा है। ये जो सीमेंट का पूरा वहां पे चल रहा है, आई थिंक ये बहुत बड़ा स्कैम है और मैं अपने मीडिया फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसकी तहकीकात करो कि वहां पे कितने सारे जंगल की जमीन सीमेंट फैक्ट्रीज को दी गई है। ये क्या सीमेंट का स्कैम चल रहा है जिसको गडकरी जी सपोर्ट करते हैं? शफत अलीला सुपारी किलिंग एनकाउंटर किलिंग साठी वापरतात, जशी एनकाउंटर किलिंग आम्ही बघितली होती गैंग वॉर्स मध्ये झाली होती, तशीच आज महाराष्ट्रात वाईल्ड लाईफ ची चालली आहे। यात कोणत्याही विलेजर्सचा कोणत्याही ट्रायबलचा हेतू न बघता त्यांनी फक्त एक गेम सुरू केला आहे आणि ते खूपच म्हणजे इट इज अ व्हेरी व्हेरी बॅड प्रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।